सिंह के, वो देखता था, किताबें पढ़ता था। जब मैं आर्टिस्ट बना तो जो मैं नई गाड़ी लेता था, मैंने 4-5 गाड़ियां बदली एज एन आर्टिस्ट जब होते थे। जब भी मैं गाड़ी लेता था, आमतौर पर हम गाड़ी लेते हैं शोरूम से सीधा मंदिर जाए गुरुद्वारा मिल गया, मैं गाड़ी चाहे 4 बजे मिले मुझे, चाहे रात के 5 बजे, रात के 10 बजे मिले, मैं गाड़ी शोरूम से निकालता था, सीधा खटखट कलाम भगत सिंह के गांव में माथा टेकता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमटी वॉकिंस में। और आज मैं सबसे पहले अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद मैं आज अपना व्लॉग लोड कर रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले दिनों काफ़ी बिज़ी था अपने काम में, पर्सनल वर्क में। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीक में एक या आपको दो व्लॉग डालूं। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ TV9 भारतवर्ष के एक प्रोग्राम जो कि अशोक आज हम बहुत दिनों बाद, इवन लास्ट टाइम भी जो मैं ये कॉन्क्लेव में गया था, मैं दिव्या जी के साथ ही गया था, हम अक्सर जाते थे। तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? यस, आई एम इंटरेस्टेड एंड एक्साइटिंग। तो हम लोग वहां जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सत्ता सम्मेलन जो TV9 भारतवर्ष द्वारा अशोका होटल में है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आपको भी घर बैठे बैठे दिखाते हैं, तो आइए चलते हैं। और ये हम अशोका होटल आ चुके हैं। और हम पहुंच चुके हैं अशोका होटल, आइए आपको समिट में लेकर चलते हैं अंदर। और ये हमें हमारा कार्ड मिल गया है। और ये गेट पे ही हमें बाबा रामदेव मिले अपने प्रशंसकों के बीच में। और ये शो शुरू हो चुका है और फेमस एंकर सुमेरा खान, वैसे भी प्रोडक्शन में आमिर खान जी का और उनकी वाइफ का इंटरव्यू ले रही है, बॉम्बे से है, आमिर खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इस पर मैं चाहूंगी, आप मैंने पूरी फिल्म देखी है, क्वांटिटी मुझे लेट मिली वो फिल्म, लेकिन मैंने जब देखना शुरू किया तो आई कुड नॉट। लेने का क्या फायदा, आपको लेने का फायदा क्या हुआ? अच्छा हां, ये भी सही है। तो खैर, हम लोग उसी देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने एक इंटर किया जो मुझे लगता है काफी अच्छा था। चल संग चल मेरे, रोके क्यों जिया, हो धीमे धीमे चले पुर मैया। जितना हो सके जो अच्छी अच्छी कहानी है मुझे मिले, मैं प्रोड्यूस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा शामिल होते हैं और मुस्लिम भी शामिल होते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस उपलब्धि के लिए मनोज जी के लिए। मनोज जी, मुहर्रम के 8वें दिन और 10वें दिन का जुलूस जो प्रतिबंधित है वो इस बार निकला और बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया। मुझे लगता है कि हिस्से में भारत के संविधान के अनुरूप उन्हें आरक्षण की व्यवस्था थी, नौकरियों में, पंचायत और यूएलपीज के चुनाव में, शिक्षा में, वो जम्मू कश्मीर में नहीं था।
वो भी उन्हें प्राप्त हुआ है। एंड वी आर गोइंग फॉर लंच ब्रेक, लंच ब्रेक हो चुका है और ये सामने लंच है, ओपन लंच, और ये हैंडलूम का उससे पहले आपको ये भी दिखाएंगे। और ये हमने भी अपनी प्लेट ले ली है लंच की, लंच करते हैं फिर मिलते हैं आपको। और नाउ स्वीट टाइम, और हमारा लंच हो गया है और लंच के बाद मुझे मिले हैं मेरे दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह तोमर। नमस्ते, आपको मिलवाता हूँ इनसे। तो और तोमर साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। की भैया का चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, भैया तरह तरह की वीडियो बनाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा छोटा भाई और 30,000 कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली का, बहुत ही फेमस कोर्ट है, वहाँ पर हमारे भाई का चैम्बर है एडवोकेट सरोज सिंह तोमर। चैम्बर नंबर 334C वेस्टर्न विंग में है। आप लोग जरूर आए, कभी भी कोई भी लीगल हेल्प हो तो आइए, आपको कॉन्क्लेव में और जो सत्ता सम्मेलन है उसमें लेकर चलते हैं। और ये बाहर कश्मीर हैंडलूम का कुछ लगाया हुआ है यहाँ पर चैनल वालों ने। आप कश्मीर से? इन सब पर बात करने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप सेटल डाउन कर जाइए। सभी जितने भी जज होने बड़ी, और ये फिर से पोस्ट सेशन कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है। तो क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, पॉलिटिकली क्या मुद्दे होंगे और जनता के बीच क्या? गजेंद्र सिंह शरद शेखावत जी केंद्रीय मंत्री आ गए हैं अगले सेशन के लिए। पार्लियामेंट्री कोर्ट तय करेगा कि किस व्यक्ति को कहां काम करना है, और निश्चित ही इंटरनल है एक्सटर्नल है। मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार यह है कि ठहराव जो है वो सड़न लाता है, और सड़न जब आता है तो मृत्यु होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हमारे बीच उस पूरे मंच पर। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में आ चुके हैं और स्टेज पर देखिए बड़ा अच्छा सफ़र है। सोचे सोच न होइए, जो सोचे लख बार, गुरबानी में लिखा है। आधुनिक देश में दिक्कत है कि हमारे जो माता पिता बड़े सत्कारिक हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं जो खुद नहीं बन पाते ना, वो बच्चों से बनना बनवाना चाहते हैं बस। डॉक्टर बापू नहीं बन सका तो कहते बेटा डॉक्टर बनेगा। अब क्या पता यार, थोड़ा सा तो बच्चों की तो पूछ लो वो क्या करना चाहता है। नहीं, फेमस तो पंजाबी में पहले बहुत हो गए थे, बाद में हिंदी में आ गए। लेकिन मेरे मन में एक बात तो, क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्टायर करता था, मैं स्टायर करता था सिस्टम पर, व्यंगकार, तो मैं वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने सोने नहीं देते। तो इसलिए सपने बुने, और आप भी बड़ा सालों से नहीं, आप ही बड़ा ख्यालों से होता है। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हुए, आज भी वो 23 साल के हैं। कई बंदे 90-90 साल की उम्र में मौत का इंतजार करते रहते हैं। बुजुर्ग आसपास के पड़ोसियों को भी नहीं पता होता कि इनका बुजुर्ग मर गया या जिंदा है, इतनी गुमनाम जिंदगी कहां भगत सिंह 23। लाफ्टर चैलेंज है, लाफ्टर चैलेंज में एक शख्स थे जो आपको सामने से बैठ के जज करते थे और बड़ी तारीफें करते थे आपने, क्या भगवंत मान तुमने क्या कहा, क्या बुला रहे, मजा आ गया है। सिद्धू आज वही आपके सामने जज कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे। नवजोत सिंह सिद्धू सामने बैठते थे, कई बार तो हमको भी नहीं पता चलता था कि हमने ऐसा क्या बोल दिया जो हंसना बंद ही नहीं एक बंदे ने मुझसे पूछ लिया, कहते जब लफ्टर चैलेंज में ब्रेक आती है तब आप क्या करते हो? मैंने कहा नवजोत सिद्धू के सेल बदल दे, क्योंकि वो इतना जोर से हंसता है वो सेल बैटरी खत्म हो जाती जल्दी।
फिर उनके सेल चेंज कर देते हैं। तो सिद्धू साहब ने लफ्टर चैलेंज में मेरे जज थे। एज ए क्रिकेटर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जब से क्रिकेट देखना शुरू किया लगभग श्रीकांत के साथ ओपनर आते थे, वो प्ले होते थे भगत सिंह के, वो देखता था, किताबें पढ़ता था। जब मैं आर्टिस्ट बना तो जो मैं नई गाड़ी लेता था, मैंने 4-5 गाड़ियां बदली एज एन आर्टिस्ट जब होते थे। जब भी मैं गाड़ी लेता था, आमतौर पर हम गाड़ी लेते हैं शोरूम से सीधा मंदिर जाए गुरुद्वारा मिल गया, मैं गाड़ी चाहे 4 बजे मिले मुझे, चाहे रात के 5 बजे, रात के 10 बजे मिले, मैं गाड़ी शोरूम से निकालता था, सीधा खटखट कला भगत सिंह के गांव में माथा टेकता था। आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है, राजधानी नहीं है हमारी? बहुत बड़ी पाबंदी दिल्ली को आता है, जब सरकार के लिए कहा जाए वैसे लाहौर शहर जल्दी जा सकता था, क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी लाहौर वाली कम है, क्यों नहीं आने देते हैं हमको? भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक लिया? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी, वो अमृतसर से तरन तारण से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी, कोई पंजाब के साथ दुश्मनी? ऐसे हरियाणा को वो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहाँ उनके साथ बात कर लेते, नहीं जी आने नहीं देना दिल्ली। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, दिल्ली को तो दिल्ली क्यों नहीं आएंगे इस खास मंच पर आज हमारे साथ। एक मैं और बात कहना चाहता हूँ जाते जाते, कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहे। और ये अभी ब्रेक हुआ है कॉन्क्लेव में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करवा दूं अशोका होटल। आइए दिखाते हैं, ये देखिए ये एक कॉरिडोर है पूरा यहाँ पर अशोका होटल दिल्ली का, और ये रिसेप्शन एरिया के पास में है ये, और वो सामने आप देख रहे हैं वो रिसेप्शन है, और ये लॉन्ज है इस तरफ रिसेप्शन, और ये अब टी टाइम हो गया है, चाय और कॉफ़ी, और हम भी ले रहे हैं टी या कॉफ़ी, और ये हमने भी अपने लिए कॉफ़ी ले ली है, साथ में हमने कुछ लाइट स्नैक्स ले ली हैं जिसमें बिस्किट्स हैं और समोसा है, और हमारे साथ वकील साहब तोमर साहब सरोज सिंह तोमर भी चाय का सॉरी कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं, साथ में मिनी समोसा बट समोसा गुड ठीक समोसा। तो फ्रेंड्स अब अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ, एक्चुअली प्रोग्राम तो बहुत टाइम तक चलेगा लेट नाइट, लेकिन मुझे किसी और प्रोग्राम में भी जाना है, इसीलिए मैं आज ये अशोका होटल का जो TV9 भारतवर्ष का प्रोग्राम था जिसका नाम था सत्ता सम्मेलन, उस पर हम आए और पूरा इंजॉय किया हमने, बहुत चीज़ें सीखी, बोलने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं अगले में मिलेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और आपको घर बैठे बैठे शेयर करूं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।